खुंटी मनरेगा घोटाला से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंगल के खिलाफ अब 10 अप्रैल को चार्ज फ्रेम होगा। बचाव पक्ष द्वारा चार्ज फ्रेम होने से पूर्व अदालत से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के हवाला देते हुए समय की मांग किया गया था, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए अगली तारीख 10 अप्रैल मुकर्रर की है। बता दें कि पिछले दिनों ईडी की विशेष अदालत ईडी ने 5000 पन्नों के चार्जशीट फाइल की थी। ऐसा है कि आज चार्ज के लिए था, बट चूंकि कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है एंड देयरफॉर द कोर्ट वाज काइंड इनफ टू पोस्टपोन द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज टिल 10th। इत्तेफाक से 7-8-9 छुट्टी है, सो दैट्स व्हाई। क्लियर। 6 और 7 मई 2022 को निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीएस सुमन कुमार सिंह के अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। छापेमारी में सुमन कुमार सिंह के ठिकानों से 19 करोड़ 31 लाख कैश के साथ कई अहम दस्तावेज ईडी ने बरामद किए थे। मामले में ईडी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। बता दें कि बीते 3 अप्रैल को पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन हो चुकी खारिज है। वहीं ईडी ने पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन का विरोध किया था और अदालत को बताया था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार, साक्ष्य और दस्तावेज हैं। ईडी पूजा सिंघल, उनके पति सीएस सुमन कुमार और खुंटी के तत्कालीन सहायक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी हैं। चार्ज फ्रेम बिंदु पर सुनवाई आज हो गई है। आरोप गठन के बाद उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ट्रायल की शुरुआत हो जाएगी। पूजा सिंघल की ओर से दाखिल किए गए पिटीशन में ईडी की ओर से उनके द्वारा लगाए गए चार्ज को निराधार बताया था। ईडी ने पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन का विरोध करते हुए अदालत को बताया था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार, साक्ष्य और दस्तावेज हैं। ईडी पूजा सिंघल समेत उनके पति के सीएस सुमन कुमार और खुंटी के तत्कालीन सहायक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुका है। उनके खिलाफ अब 5 अप्रैल को आरोप तय होना है। पूजा सिंघल फिलहाल 2 माह की अंतरिम जमानत पर है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। रांची से आशुतोष सिन्हा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।